हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हमारा सेट है 23 जो RRB NTPC और ग्रुप डी के स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले दीज आर माई लिंक्स, दिस इज़ द फेसबुक लिंक एंड दिस इज़ द इंस्टाग्राम लिंक, और ये मेरी ईमेल आईडी है। अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है हमारी 70% ऑफ चल रही है, और इन चीज़ के जब बारे में जानकारी लेने के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और studyiq.com विजिट कर सकते हैं, और घर बैठे सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। और प्लस मेरे जो पेंडाइव कोर्स है, जो मेरा कोर्स आने वाला है, वो ऐप में आएगा, और ऐप जैसे ही लॉन्च होती है 7 नवंबर के आसपास, तो उसमें आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए जी, आज के लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हेपेटाइटिस है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेपा वर्ड इज द लिवर, हेपा इज लिवर। एंड आइटिस वर्ड का मतलब क्या होता है, आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जब आपके हेपेटाइटिस यानी कि लिवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस। और ये है जी आपके लिवर की प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस डेंजरस कौन सा होता है, हेपेटाइटिस सी। सी जो है डेंजरस है, लिथल है, और वायरस से प्रॉब्लम आती है, और ये जानलेवा होता है सी। और लीवर जो है, आपको पता है लीवर की अगर स्टडी पूछा जाए तो हेपेटोलॉजी वर्ड यूज़ किया जाएगा, हेपेटोलॉजी। और प्लस लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, यूरिया यहाँ पे बनता है और ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर होता है। और प्लस आपका जितने भी जो हमारे हेपरिन है और जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोटीन है, यहाँ पे बनते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, हेपरिन जो है ब्लड को क्लॉट नहीं करता इनसाइड द बॉडी। ये सारे ऑपोजिट फंक्शन रोल प्ले करते हैं। दूसरा है पैंक्रियास। सो पैंक्रियास क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड होता है, मिश्रित ग्रंथि होता है। और प्लस यहाँ से जो है बहुत सारे हार्मोन जैसे इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलते हैं। स्प्लीन जो है, स्प्लीन आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज होता है। सबसे मैक्सिमम जो होते हैं आपके आरबीसीज स्प्लीन अंदर खत्म होते हैं, दूसरे नंबर पे लीवर पे खत्म होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन वो ऑर्गन होता है जहां पे आपकी फाइनल डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है खाने की। क्लियर? तो ऑप्शन इज ए, दैट इज लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो वेजिटेबल फाइबर्स का जो आपका बेस है वो कौन बनाता है। वेजिटेबल फाइबर्स का बेस बनाता है सेलुलोज। सेलुलोज जो होती है वो आउटर सेल वॉल होती है आपके प्लांट्स की, जो क्या होता है कि बहुत रेजिस्टेंट होता है और बाहरी चीज़ों से बचाता है प्लांट को, और इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सेलुलेज नहीं है। पहले जो होता था, जैसे हमारी बॉडी में पहले, अभी भी है वैसे तो, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो है आपका अपेंडिक्स होता था, वो अभी एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है, क्योंकि हमारी जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई तब जाके ये ऑर्गन काम करना बंद कर गया और आपका जो है वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा आपका, सेलुलोज। हमारे जब अर्थ को एक आता है तो फोकस के ऊपर जो आपका पॉइंट होता है उस चीज़ को क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहा जाता है इस चीज़ को। क्लियर? ये क्या होता है, जैसे आपका ये है, ठीक है, तो फोकस अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे बिल्कुल ऊपर इसके क्या होगा, एपिसेंटर हो जाता है। ठीक है, और फोकस जो होता है ना, फोकस को आप हाइपोसेंटर भी कहते हैं, जहाँ से आपका अर्थक्वेक का फोकस होता है, हाइपोसेंटर, और इसको एपिसेंटर कहा जाता है। जब फोकस के ऊपर जितनी भी आपकी वेव्स होती हैं, इससे अवे दूर दूर भागती होती हैं, इस तरीके से जो है दूर भाग रही होती हैं आपकी अर्थक्वेक के। क्लियर? अर्थक्वेक को मापने के लिए रिक्टर स्केल है, मर्कली स्केल है। रिक्टर स्केल जो होता है वो मैग्नीट्यूड को मापता है, मर्कली स्केल जो है वो इंटेंसिटी को मापता है। और द सेकेंड थिंग इज द सीज्मोग्राफ। सीज्मोग्राफ जो होता है वो अर्थक्वेक की अर्थक्वेक जो है उसको रेडिएशंस को मापता है और उनके बारे में जो है ग्राफ बनाता है आपका अर्थक्वेक। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है रेयन को कहा जाता है, और ये बनता कहाँ से है, सेलुलोज से बनता है, ये आपको याद रखना है। और सेलुलोज के बारे में मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई हैं। क्लियर? जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजिली बर्न कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं आपके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बनते हैं और ये बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। प्लस जैसे अभी नायलॉन है, नायलॉन जो है ये भी क्या है, ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। और जैसे आपका कोल वाटर एयर से मिक्स करके बनता है और इसको पैराशूट रोप्स वगैरह बनाने में काम आता है। जो पॉलिएस्टर होता है रिंकल फ्री, यानी कि उसके अंदर जो बल होते हैं कपड़े के अंदर जो बल से पड़ जाते हैं वो हटाने के लिए। एक्राइलिक जो होता है ये आर्टिफिशियल वूल होती है।
नेक्स्ट है कमरूप इज द एंशियंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया, एंशियंट नेम किसका है, ये है असम का, ठीक है, असम इज राइट आंसर। और इसको मैं बता दूं कि असम को और क्या कहते हैं, इट्स प्रयाग ज्योतिषपुर, प्रयाग ज्योतिषपुर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जैसे ज्योतिषी बात करते हैं ना, ज्योतिषी मतलब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिसेस यहाँ से जो है स्टार्ट हुई थी, इसलिए इनको प्रयाग ज्योतिषपुर कहा जाता है। और प्लस यहाँ पे असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, मजूली आइलैंड है जो आपका रिवराइन आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र रिवर, दिहांग, दिबांग, बहुत सारी रिवर्स मिलती हैं, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क भी है, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क भी है ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आंसर इज असम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इनमें से सबसे पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, पेनिनसुलर रिवर मैंने आपको बताया था जहाँ से ये सारी चीज़ जो है पानी से ऐसे तीनों तरफ से ऐसे ढकी हो, उसको हम पेनिनसुलर एरिया कहते हैं। और पेनिनसुलर रिवर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी है जी गोदावरी, गोदावरी जो है वो 1465 किलोमीटर के आसपास है, और त्रिम्बकेश्वर प्लेटू से निकलती है, नासिक से, महाराष्ट्र से, और उसके बाद जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गोदावरी को आप दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि साउथ के अंदर सबसे ज्यादा लंबी नदी कौन सी है, आपकी गोदावरी है, क्लियर। बाकी यहां पे ऑप्शन देख लेते हैं, कृष्णा जो है 1300 किलोमीटर है, चौथी बड़ी रिवर है पूरे भारत की, गंगा गोदावरी नर्मदा के बाद आपका कृष्णा का रिवर आता है, नंबर आता है, क्लियर। महाबलेश्वर प्लेटू से चलती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक से निकल के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और कावेरी, कावेरी एक ऐसी रिवर है जो पेरिनियल रिवर है, सारा साल बहती है, और प्लस कावेरी जो है 765 किलोमीटर के आसपास है, कर्नाटका और तमिलनाडु के स्टेट से निकलती है, ये गिरती है और बे ऑफ बंगाल में। महानदी जो है 858 किलोमीटर के आसपास है, हीराकुंड डैम यहाँ पे है, उड़ीसा रिवर के ऊपर है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा रिवर के आसपास ये जो है स्टेट से निकलती है। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बना जी गोदावरी। इनमें से डायोड जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, डायोड जो होते हैं ये इस तरीके का पॉइंट होता है, जैसे ये दो पॉइंट आ गए और इसको इस तरीके से ये डायोड बन जाता है, इससे कहने का मतलब यह दो जो सिग्नल लगे हुए हैं ये करंट को फ्लो करते हैं और एट देन बाद में ये सारा करंट एक तरह से चला जाता है, कहने का मतलब करंट को अगर एक सीधा डायरेक्शन में चलाना हो तो उसको आप डायोड कहा जाता है। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, रेक्टिफिकेशन के लिए, डैट इज़ रेक्टिफायर के लिए यूज़ किया जाता है, जब करंट आपका अल्टरनेट करंट टू डायरेक्ट करंट अगर आपने चेंज करना हो तो आपका रेक्टिफिकेशन यूज होता है। तो आंसर इज ए ऑप्शन, डायोड रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और इनका जो मेन एम होता है वो वेलफेयर होता है और प्लस सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वगैरह बना के रखने को होता है, प्लस पार्ट 4 के अंदर है, 36 से लेके 51 तक नंबर आर्टिकल आते हैं, क्लियर। यूएसए हमने जितने भी जुडिशरी के लिए इंडिपेंडेंस जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रियम्बल, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब लिया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है रूल ऑफ लॉ, सिटीजनशिप, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से ले रखी हैं। फ्रेंच से हमने द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी वगैरह ले रखे हैं। तो आंसर इज सी ऑप्शन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो स्टार के कलर के बारे में इंडिकेटर बताता है, स्टार जो होते हैं, स्टार आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न होती है। अब यही जो है सन के अंदर भी यही प्रक्रिया होती है, सन भी चमकता है, रीज़न इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न, उसके अंदर एनर्जी इस तरीके से आ रही है। और रीज़न क्या है इसका, इसका रीज़न यह है कि टेम्परेचर इनका बढ़ रहा है, फ्यूज़न रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसी के कारण इसका कलर प्रॉपर तरीके से आपको दिखता है। तो आंसर इज़ सी ऑप्शन। एटॉमिक नंबर जो होता है एक एटम का, अणु का, परमाणु का, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखिए। और ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, जितना भी आपका चार्ज होता है न्यूक्लियस का उसके बराबर होता है। अगर मैं कहूँ कि अगर अनचार्ज्ड एटम है, अगर अनचार्ज्ड एटम है तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा। अगर अनचार्ज्ड पार्टिकल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे, अगर चार्ज्ड पार्टिकल होता है तो आपका एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन, डायथीरिया पर्ट्यूसिस एंड
टेटनस, डायप्टीरिया लिख देता हूँ मैं, आपको याद रहेगा क्योंकि याद फुल फॉर्म आ जाती है डायप्टीरिया। पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस को आप यहाँ पे वूपिंग कफ भी कहा जा सकता है, काली खांसी जिसे आप कहते हैं वूपिंग कफ। और टेटनस, टेटनस का दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, टेटनस का दूसरा नाम है लॉक जॉ, जाने कि अगर टेटनस का इंजेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं लगता और इसका जो बैक्टीरिया वगैरह है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी अंदर चला जाता है तो आपका जो जॉ होता है वो बंद हो जाता है। ये तीन नाम है, ये जो है वो क्या चीज़ है, ये कंबाइंड वैक्सीन है, ये कंबाइंड वैक्सीन है तीन बीमारियों के लिए है और आपको मैंने बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें से सबसे हार्डेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, ऑलरेडी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद कैसे करेंगे आप, कुछ भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है ए बी एल पी वर्ड याद रखना है, सारे अच्छे पॉइंट ए के लिए, सारे बेकार पॉइंट पी के लिए, एंथ्रासाइट के लिए सारे अच्छे पॉइंट, हार्डेस्ट कोल है, सबसे ज़्यादा कार्बन ये है, सबसे ज़्यादा क्लोरीफिक वैल्यू यहाँ पे आती है, सारा पॉइंट यहाँ पे आएंगे तो आंसर क्या बनेगा आपका, एंथ्रासाइट आंसर बनेगा। डैट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और सबसे बेकार अगर पूछा तो आपका आंसर क्या बनेगा, पीट बनेगा। नेक्स्ट है, रिफॉर्म पॉलिसीज़ जब हुई थी हमारे देश के अंदर पहली बार किस ईयर में देखने को मिली थी, तो 1991 में देखने को मिली थी और इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हमारे देश में पी वी नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। और इसी कारण जो है प्राइम मिनिस्टर पी वी नरसिम्हा राव को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला जाता है, तो आंसर इज़ 1991। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए राष्ट्रपति अगर एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उस चीज़ को कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंदर, क्षेत्राधिकार के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा गया है, वो रखा जाता है जी एडवाइजरी के अंदर, आर्टिकल 143। और यह जब भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे देती है प्रेजिडेंट को, तो प्रेजिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता कि वो सुप्रीम कोर्ट की बातें माने या ना माने, तो आंसर इज़ एडवाइजरी। ओरिजिनल जो है आपका आर्टिकल 131 के अंदर आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, स्टेट और स्टेट और प्लस जितने भी झगड़े होते हैं बिटवीन द स्टेट एंड स्टेट, कोई भी एनीथिंग, कुछ भी झगड़ा होता है तो यहां से सॉल्व कर लिया जाता है, एक स्टेट में, दो स्टेट में, तीन स्टेट में, तो आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आता है। रिट में क्या होता है, फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 32 के अंदर आप जा सकते हैं, 5 तरह की रिट होती है। और अपील का मतलब ये होता है हमारी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा जी डी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट है, चोला किंगडम ने मैक्सिमम रूल कहाँ पे किया है, इनमें कौन से रीजन में, तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा रूल किया है और इनकी जो कैपिटल थी वो थी चोला मंडलम। क्या थी, चोला मंडलम। और ये कहाँ पे थी जी, ये कावेरी रिवर के पास थी, कावेरी रिवर, क्लियर, कावेरी रिवर के पास थी और कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर। और इसकी जो एंशियंट कैपिटल थी वो थी उरियूर, उरियूर वॉज द एंशियंट कैपिटल इन द तमिलनाडु, क्लियर। और ये किसके लिए फेमस थे, चोला मंडलम वाले, चोला एम्पायर वाले कॉटन का ट्रेड करने के लिए बड़े फेमस थे, क्लियर। और इनमें से एक पर्सन था यहाँ पे सेंगुट्टवन नाम का एक राजा था, जिसको आप किस नाम से जानते थे, रेड चेरा। और सबसे जो है ग्रेटेस्ट किंग्स में आता था, क्योंकि इन्होंने फेमस टेंपल बनाया था कन्नगी का, फेमस टेंपल किसका बनाया था, कन्नगी का। और कन्नगी को गॉडेस ऑफ चेस्टिटी एंड फाउंडेड द फेमस पत्नी कल्ट भी इन्होंने चलाया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, आंसर इज डी साउथ इंडिया तमिलनाडु। और ओशनिक क्रस्ट जो होती है उसमें सिलिका होता है और क्या होता है, देखिए जी ये होता है आपका क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, निफे दैट इज निकल एंड आयरन, यहाँ पे क्या होती है सियाल और सीमा वर्ड होता है, ठीक है। सियाल और सीमा का मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम और सिलिकॉन मैग्नीशियम, तो आंसर क्या बनेगा जी आपका मैग्नीशियम। अगर यहाँ पे क्रस्ट की जगह के ऊपर कोर आ जाता तो आपका आंसर क्या बन जाता, निकल और आयरन बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर इज मैग्नीशियम। ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइसिंग मंकी, गुरिल्ला, गिबॉन, ये किस क्लास ऑफ मैमिलियन कैटेगरी में, जो कार्निवोर ऑर्डर के हैं, किस में इंक्लूड किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे थोड़ा सा मार्क है, ये आपको पता होना चाहिए, टाइगर कैट्स डॉग, क्लियर, टाइगर कैट्स डॉग जो है इस ऑर्डर में रखा जाता है।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है, मलस्क की एग्जाम्पल कौन सी है, ऑक्टोपस इज द आंसर। यहाँ पे मार्क हो चुके हैं, गलती से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन से मतलब होता है। मलस्क का जो फाइलम है वो क्या है जी, ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस का फाइलम मलस्क है, आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा आर्थोपोडा, फाइलम सबसे बड़ा आर्थोपोडा है, और दूसरे नंबर पर क्या होता है आपका, मलस्क आता है। क्लियर, मलस्क आता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो इसकी बॉडी होती है ना, मतलब जितने भी मलस्क कैटेगरी अंदर आते हैं, वो सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड, यानी कि इस सेगमेंटेशन नहीं होती। हेड होता है, विसरल ऑर्गन्स होते हैं, और वेंट्रल फुट वगैरह होते हैं। ऑक्टोपस का तो आपको पता ही है, ऑर्गन लेवल ऑफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन लेयर के बने होते हैं। अगर हम बॉडी को दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो बायलैटरली सिमेट्रिकल भी हो जाते हैं मोलस्क। तो इतने सारे करेक्टरिस्टिक फीचर भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड। इनमें से अगर कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, इन चीज़ों को हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स कहते हैं। अब ये चीज़ अगर हम कहें कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, जैसे ऑयल वगैरह लगा देते हैं, ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, और ये किसका काम कर रहे हैं, लुब्रिकेशन का काम कर रहे हैं, ताकि जो है कोई भी रगड़ ना आए। तो आंसर इज लुब्रिकेंट्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर को अगर आप ऐड करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बन जाता है, MgOH2, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने आपको बताया था इसको एंटासिड भी कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। तो आंसर इज MgOH2। कैलोरीफिक वैल्यू के यूनिट क्या होते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है आपकी एनर्जी की बात आती है, कितना आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे के सब्सटेंस को आप कंप्लीटली हीट करके। तो इसकी यूनिट जो होती है वो किलो जूल पर केजी होती है, किलो जूल पर केजी। तो नेक्स्ट है उसके बाद हमारा, हु इन्वेंटेड स्पेस पेन, स्पेस पेन को इन्वेंट किसने किया था इनमें से, तो पॉल सी फिशर ने इसको, स्पेस पेन को जो है डिस्कस किया था, इन्वेंट किया था। रुडोल्फ डीजल जो था उसने डीजल इंजन डिस्कवर किया था, डीजल इंजन। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन डिस्कवर किया था, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन मैंने आपको बताई थी फंगस से आती है, पेनिसिलिनम नोटेटम से बनाई गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी वॉज बिल्ट बाय, ये बनाया था हरिहर बुक्का ने, ठीक है। हम्पी क्यों पहले क्या कहते थे, विजयनगर, और विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश करने वाले पर्सन का नाम भी हरिहर बुक्का है। विजयनगर किंगडम जो है थी वो तुंगभद्रा रिवर के किनारे थी, तुंगभद्रा रिवर के किनारे। क्लियर, ये आपको याद रखना है। संगमा डायनेस्टी बनाई थी हरिहर एंड बुक्का ने, संगमा डायनेस्टी। क्लियर, संगमा डायनेस्टी। आप में से बहुत कहेंगे कि सर ये आंसर आपने ऐसे लिख रखे हैं, वैसे लिख रखे हैं, आप हमें पता था, ये क्या कर रहे हो आप। सीधी सी बात है, आपको कोई आंसर से मतलब ही नहीं, आपको क्वेश्चन देख के आंसर पता होना चाहिए कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं, एस्ट्री जो बनाती है, एस्ट्री वाला एरिया जो है वो है सर क्रीक। ये आपको याद रखना है, सर क्रीक वाला जो एरिया है इसको लोकल नाम अगर पूछा जाए तो क्या कहते हैं हम, बान गंगा कहा जाता है। 96 किलोमीटर दूर है रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे आपका अरब सागर है, और ये टाइडल चैनल है, फ्लक्चुएट करता है, मार्शी एरियाज हैं। यहाँ पे जो है 1.4 किलोमीटर ईस्टवर्ड एरिया है, 2007 में जो है ये सर्वे किया गया था। तो आंसर इज बी ऑप्शन, सर क्रीक। नेक्स्ट है, हमारे सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा पर्टिकुलर मैटर जो है आपका कितना डायमीटर अगर लेस नहीं होता वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ। ये पर्टिकुलर मैटर जो है, अभी जैसे दिवाली है, कल दिवाली है, तो आपको पता होगा कि दिवाली के टाइम पे जो दिल्ली के अंदर जो टेम्परेचर, जो आपकी कंडीशन बनेगी, फॉग कहने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो धुआं होता है, वो धुआं के अंदर ये 2.5 नंबर आर्टिकल जो है आपका, सॉरी पर्टिकुलेट मैटर 2.5, ठीक है, ये आपको दिखने लगेगा, जिसके कारण आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, जिसके कारण आपको हेल्थ ब्रेथलेसनेस वाली कंडीशन बनेगी, आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसलिए जो है सेफ दिवाली मनानी है, खासकर दिल्ली वाले लोग, गुड़गांव वाले लोग, पंजाब वाले लोग, हरियाणा वाले लोग, तो यहाँ पे आसपास सारा धुआं जो है इकट्ठा होने वाला है, आपको सबको पता है। तो बहुत ध्यान से, ढंग से, अगर आपको पटाखे भी चलाने तो ढंग से चलाइए, ज़्यादा मत चलाना, ठीक है, आपका थोड़ा सा एनवायरनमेंट को बचा के रखना, इसलिए गो ग्रीन की तरह करना सारा काम, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। वैसे आपको सबको पता है, आप सब जानकार हैं, सब ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है। तो अच्छे से सारा दिवाली मनाना। तो आंसर इज़ बी 2.5। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस। ये है जी मेरा फेसबुक का लिंक, ये है इंस्टाग्राम का लिंक, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और ये है जी मेरी मेल आईडी। थैंक यू सो मच गाइस। और जब भी मैं वापस आऊँगा, ठीक है, आपको फेस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिलेंगी। ये मैं घर से आपको जो है लाइव क्लास कर रहा हूँ, और प्लस आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मिल सकती है। अगर आपने कोई भी कोर्स की तैयारी करनी है, आपका 70% ऑफ है, ये studyiq.com भी विजिट कर सकते हैं। प्लस अगर आप मेरा कोर्स की जो वेट कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट जो मेरे कोर्स की वेट कर रहे हैं, वो ऐप में आने वाला है। ऐप 7 नवंबर के आसपास जो है लॉन्च हो जाएगी। जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा सबको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।